सीबीएसई क्लास 11th हिंदी को रही, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है आपका। क्या है एनसीईआरटी सॉल्यूशन? क्वेश्चन आंसर है जो कि चौथा चैप्टर है कविता का, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है उससे। तो जानते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला है, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? तो इसका आंसर है, आमतौर पर हमें अंधकार, आर्थिक हानि, अपमान, हत्याकांड, प्रियजन की मृत्यु आदि बातों से डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले का दूसरा, कि अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया? उन आँखों से मतलब है यहाँ पर किसान की आँखों से, तो उन किसान की आँखों की ओर संकेत किया गया है। नेक्स्ट है, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? तो कवि को उन आँखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उनमें असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, उस प्रकार की वेदना भरी हुई है। नेक्स्ट है, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, तो डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? तो कवि ने पंक्ति में किसान की, अर्थात किसान की यथार्थ स्थिति का परिचय दिया है। डरते हुए कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन समाज को किसान की स्थिति से अवगत कराने के लिए किया है, ताकि लोग किसान के प्रति सहानुभूति रखें और अत्याचारी महाजनों और थानेदारों का पर्दाफाश हो सके। नेक्स्ट है, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? तो यदि कवि को किसान की आँखों को देखकर बहना लगता, तो शायद उसकी पीड़ा का बोध न होता और न कविता लिखी जाती, क्योंकि कविता लिखने के लिए मन में भावों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? तो कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन, कोतवाल आदि को जिम्मेदार बताया है। महाजन ने अपना ब्याज और ऋण वसूलने के लिए किसान के खेत, गाय बैल, घर बार बिकवा दिया। उसके कारकुनों ने विरोध करने के कारण उसके जवान बेटे को मरवा दिया। दवाई के अभाव में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उस इसी कारण उसकी जो दूध मही बच्ची की भी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है कि पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? तो यह पंक्ति जो है इसमें किसान के जो सुख हैं उनकी ओर संकेत किया गया है। वे हैं कि किसान कभी स्वाधीन था, उसके घर के पास लहलाते खेत थे, दुधारू गाय और हष्ट पुष्ट बैलों की जोड़ी थी, घर में उसका एक जवान पुत्र, पत्नी, बेटी और पुत्र वधू भी थी। इस तरह किसान एक सुखी और संतुष्ट व्यक्ति था और इन्हीं सब की स्मृति उसकी आंखों में चमक ला देती थी। नेक्स्ट है कि संदर्भ सहित आज स्पष्ट की, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत काव्यांश, प्रस्तुत काव्यांश क्या है? पाठ्यपुस्तक आरो भाग एक में संकलित वे आँखें से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो उपयुक्त पंक्तियों में किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। दुर्दशा मिस होता है बुरी दशा। इसका आशय है, कवि कहते हैं कि किसान के पास एक उजरी नाम की एक गाय थी और उस गाय के प्रति किसान का कुछ विशेष स्नेह था।
वह गाय भी केवल किसान को ही दूध दुहने देती थी, वह किसी अन्य को अपने पास भटकने भी नहीं देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए कि घर में विधवा रही पतोहु लक्ष्मी थी यद्यपि पतगातिन। इसका संदर्भ है वही जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो अलग हो जाता है कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग एक से एक में संकलित कविता वे आँखें से लिया गया है। इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। यहाँ तक तो इस प्रकार रहेगा, लेकिन पंक्तियों के भावानुसार जो इसका के जो अर्थ है वह यहाँ से अलग हो जाता है कि यहाँ पर किसान के जवान पुत्र के मरने का संदर्भ है कि किस प्रकार बेटे किसान के बेटे को विरोध पर मार दिया गया। इसका क्या आशय है कि किसान के बेटे को कारकुनों ने मार दिया और उसकी मृत्यु का आरोप जमींदार और पुलिस की मिली भगत से उसकी पत्नी पर मर दिया गया। उसके मरने में उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं था, फिर भी समाज ने उसे पतिघातन करार दे दिया, जबकि वह विधवा होते हुए भी लक्ष्मी के समान थी, वही कमाकर घर चला रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए कि पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती और तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन तीखी नोक सदस्य बन जाती। तो वही संदर्भ कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग एक से संकलित वे आँखें कविता से लिया गया है और इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो यहाँ पर किसान के पूर्व सुखों के बारे में बताया गया है, जिसका क्या आशय है कि किसान जब अपने पूर्व वैभव को याद करता है तो क्षण भर के लिए उसे सुख और आनंद का अनुभव होता है। कुछ समय के लिए उसकी आंखों में चमक उभर आती है, परंतु किसान का यह सुखद एहसास क्षण भर में विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है और उसे वे सारी सुख की बातें तीखी नोक की भांति चुभने लगती है कि कब सुख आया और कब चला गया। नेक्स्ट है कि घर में विधवा रही पतोहु खैर पैर की जोती जोरू एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखे। ध्यान रखना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की स्थिति बहुत दयनीय है बताई गई थी। विधवा स्त्री से सहानुभूति रखने की अपेक्षा उसे पति की हत्यारण करार दे दिया गया। कोतवाल उसे बिना कारण धमकाता है और उसके साथ कुकर्म करने से भी नहीं चूकता। उसे इतना पीड़ित किया जाता है कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। वर्तमान युग की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति पहले की तुलना में कई गुना बेहतर है। आज लगभग सभी देशों में स्त्री उन्हें अपनी शक्ति का लोहा मनवा रही है। हम कह सकते हैं कि आज का युग स्त्री जागरण का युग है। भारत में तो सर्वोच्च राष्ट्रपति पद की कमान भी स्त्री ने संभाली है। शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, चिकित्सा, शासन कार्य और यहाँ तक कि सैनिक बनकर देश की रक्षा के लिए मोर्चे पर जाने में भी वह पीछे नहीं रही है। अब स्त्री अवला नहीं अपराजिता है, जिसको कि कोई पराजित नहीं कर सकता, और उसकी जीत में पुरुषों का योगदान ठीक वैसे ही है जैसे एक पुरुष की जीत में स्त्री का हाथ होता है। नेक्स्ट है, किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारणों की भी पड़ताल करें। यह कथन सत्य है कि किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि बहुत से किसान तो आत्महत्या के लिए भी मजबूर हुए हैं। कभी फसल खराब होने के कारण, ऋण ना चुका पाने से या कभी वर्षा ना होने से भी ऐसा कदम उठाने पर बाध्य हो जाते हैं। इस विषय पर निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चर्चा करते हैं।
तो पहली बात, खेती व्यवसाय के दृष्टिकोण से लाभप्रद नहीं रह गई है। नेक्स्ट, इस व्यवसाय में अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, जिसे आज का पढ़ा लिखा और युवा वर्ग नहीं करना चाहता। नेक्स्ट, सरकार का कृषि के प्रति उदासीन रवैया, जैसे बीज, खाद और सिंचाई के साधनों का अभाव है। नेक्स्ट है, अनाज की बिक्री के समुचित व्यवस्था का अभाव है। कृषि व्यवसाय से पलायन के निम्नलिखित कारण हैं कि कम आय का होना, घोर परिश्रम के बाद भी सफलता न मिलना, समाज में उचित सम्मान न मिलना, प्रकृति और वर्षा पर निर्भरता, नुकसान की भरपाई की सुविधा का अभाव या फसल बीमा आदि का न होना। तो इस प्रकार से जो हैं आपके क्वेश्चन होते हैं। धन्यवाद।